अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद अफान शेख। इस वक्त ये आपको मैं दिखाना चाह रहा था कि ये डिमार्केशन हमारी हुई है L660 की एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर, और ये आप देख सकते हैं ये 80 गज़ का प्लॉट है। ये निशानात आप देख रहे हैं हमारे FWO वाले जो सर्वेयर हैं, इनके बासित खान साहब जो यहाँ पर GFS की तरफ से यहाँ पर डिमार्केशन करते हैं, वो मेरे साथ खड़े हुए हैं। तो उनसे पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बासित भाई? खैरियत से? खैरियत से, आप सुनो। बस अल्लाह का शुक्र है। अच्छा बासित भाई, ये बताएं कि यहाँ पर जितनी भी डिमार्केशन होती है वो आप करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी भी नॉट ऑन GFS में डिमार्केशन होते हैं वो सब मैं करता हूँ। कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, कोई भी हो, कमर्शियल हो रेजिडेंशियल, उसके अलावा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, रोड लेवल हो गए, ठीक है, सीवरेज का। आपको ये इंस्पेक्शन कहाँ से आती है? ये हमको आती है अपने हेड ऑफिस से, ठीक है, उसके थ्रू हम। अच्छा, आपने अभी ये जो 80 गज के प्लॉट की आपने डिमार्केशन करी है, ये डिमार्केशन जरा बताएंगे कि आपने किस तरीके से, थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को बताएं क्या आपके पास इसकी कैलकुलेशन होती है? हमारे पास कैलकुलेशन होती है, हमारे पास ड्राइंग मौजूद है पहले से जो हमने बनाया हुआ होता है, जो SBS से पास होता है उसके मुताबिक हम उनको वो निशान लगाते हैं, ठीक है। इस तरफ ये प्लाट है, इसकी कटिंग है 24x30 का, ठीक है, तो वही कटिंग का निशान हम लोग यहाँ सेट पे लगाते हैं। यानी कल को अगर ये जब प्लेन बनाएंगे ये 24x30 के अंदर रहते हुए बनाएंगे, अंदर रहते हुए बनाएंगे, ठीक है। इनके पास मजीद बाहर जाने के लिए बाहर गली होती है 24 फुट, ठीक है, उसके बाद से ये स्ट्रेच 1.5 फुट का निकाल सकते हैं, बाकी इंशाल्लाह 30 फुट के अंदर रहती हुई ये लोग अपना 24x30 के अंदर काम करेंगे। चले ठीक है। अच्छा, अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे तो वो आपसे डायरेक्ट रब्ता नहीं कर सकता? नहीं, डायरेक्ट हमसे रब्ता नहीं कर सकता, उसके लिए प्रोसेस है। सबसे पहले वो अपना जो उसने फाइल लिया होगा, ठीक है, उसके इंस्टॉलमेंट पूरा करेंगे, उनको जब लेटर मिलेगा हेड ऑफिस से तब जाके हमारे वो इंजीनियर डिपार्टमेंट के ऑफिस में आएंगे, ठीक है, तो फिर उसके थ्रू फिर हम इसका डिमार्केशन करते हैं। चले ठीक है, थैंक यू, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू बासित भाई। तो व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं ये इस वक्त एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर L660 की डिमार्केशन हो चुकी है। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये इस तरीके से निशान लगाकर इस पे कर देते हैं। इसी के अंदर रहते हुए ही इनको अब ऑनर को यहाँ पर मकान बनाना होगा। ये आप देख सकते हैं व्यूवर्स, ये इस तरीके से इन्होंने 4 कीलें लगा दी हैं, और ये प्लॉट जो है ये जुडिशरी ऑनर की है। अब इसके अंदर वो चाहे कुछ भी करे, जैसे भी अपनी प्लेन पे बनाए, फाउंडेशन बनाए। तो मेरे पास ये एक रिक्वेस्ट थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोसेस मैंने करवा के कम्प्लीट करवा दिया है। अब ठेकेदार साहब आएंगे और यहाँ पर आकर जो है वो अपनी निशानात वगैरह जो भी मामला आते हैं प्रोसीजर को वो आगे बढ़ाएंगे। तो व्यूवर्स, मैंने कहा ये अवेयरनेस वाली वीडियो थी, थोड़ी सी आप लोगों को बता सकूं, और जिनके साथ भी कोई ग्रीवेंसेज हो, कोई मामला हो, वो आके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और जिनको SBC अप्रूव करवाना है, डिमार्केशन करवानी है, डेवलपमेंट के हवाले से, ऑफिस के हवाले से कोई मामला हैं, वो भी आके डिस्कस कर सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएँ, और कमेंट्स में अपना इजहार करें जिस किस्म के भी आपके ख्याल आते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।